शुभकामनाएं उनको। अब वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगे और हम लोग उम्मीद करेंगे कि सरगुजान चल के साथ पूरे छत्तीसगढ़ के विकास के लिए और विशेष करके वो क्षेत्र जो तुलनात्मक विकास की दृष्टि से पीछे रह गए हैं उनको प्राथमिकता देके और सभी को साथ में लेके चलेंगे। आप खुश हैं उनके नाम से? बीजेपी को ये नाम तय करना चाहिए था, या आपको लगता है कि दोबारा रमन सिंह को ही मौका सरकार को देना चाहिए था? ये तो इनका आंतरिक मामला है, जी। इसमें हम लोग के कुछ राय का कोई मायने नहीं रखता। जिनको विधायक दल ने चुना, जिनको उनके हाईकमांड ने फाइनल किया, वो फाइनल है। काम सही होना चाहिए, व्यक्ति कोई भी आए, काम ऐसा होना चाहिए कि ऐसे इलाके जो तुलनात्मक पिछड़े हैं विकास के दृष्टिकोण से, उनको महत्व मिले और सबको लेके चल सके। क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है, करीबन 5-6 महीने करीब बचे हैं, आप लोगों के लिए भी चुनौती है। आप लोग किस तरीके से तैयार हैं छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि हाल में आपकी सरकार भी चली गई, तो जाहिर सी बात है कि आप लोग अब उतने मजबूत शायद अपने राज्य में ना रहे जितने अब बीजेपी रहेगी, तो उसके लिए आपको लेकर आप क्या रणनीति तैयार करेंगे? पिछले 2-3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति छत्तीसगढ़ में अच्छी नहीं रही है। 2014 में एक सीट, 2019 में 2 सीटें कांग्रेस की आई थी 11 में से। प्रयास हमारा यही रहेगा कि इसको 2 को आगे ले जाके 5 से 7 सीटें हम कांग्रेस के लिए ला सकें। विधानसभा का परिणाम अगर आप देखेंगे तो कई लोकसभा हैं जिसमें कांग्रेस का परफॉर्मेंस उतना खराब नहीं है, बल्कि हम बहुमत में भी हैं। आप नांदगांव देखेंगे तो नांदगांव में 8 में से 5 सीट कांग्रेस के पास है। चांपा जांजगीर देखेंगे तो 8 में से 8 सीट कांग्रेस के पास है। रायगढ़ का देखेंगे तो रायगढ़ में 8 में से 4 सीट कांग्रेस के पास है। कांकेर को देखेंगे तो कांकेर में 6 सीट कांग्रेस के पास है। तो इन लोकसभाओं में कांग्रेस का परफॉर्मेंस इस चुनाव में भी कमतर नहीं रहा, तो यहाँ कांग्रेस की उपस्थिति अच्छी है। और टोटल वोट शेयर भी अगर आप देखेंगे तो 3-1% का वोट शेयर का डिफरेंस है। तो कांग्रेस अच्छे तरीके से चुनाव लड़ने की स्थिति में है और अच्छी मेहनत हुई और सबने साथ चुनाव में भाग लिया, तो कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी। सर, विष्णु देव साव कह रहे हैं कि मेरा पहला काम जो होगा वो 18 लाख आवास जो है वो लोगों को देना होगा, और मैं अपनी ईमानदारी से काम करूंगा, सबका विश्वास जो मोदी जी की गारंटी है उसको पूरा करेंगे राज्य के अंदर, कैसे देखते हैं उनके? ये विष्णुदेव साव ने, विष्णुदेव साय है इनका नाम, ये आदिवासी समाज से आते हैं, साव ओबीसी समाज अपने सरनेम में लिखता है। तो ये इनकी प्राथमिकता है, इनके घोषणा पत्र में था और करेंगे, तो कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में यही कहा था, इनने भी यही कहा था, ये काम है जो होना ही चाहिए। आप जिस तरीके से बीजेपी आक्रामक है, हालांकि कांग्रेस ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया है उनसे, और जिस तरीके से पैसे उनके अलमीराओं से निकले हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? और आप, क्योंकि बीजेपी आक्रामक है, तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? कोई व्यक्ति के कार्यकलाप पार्टी के नहीं होते, वो एक व्यवसायी हैं, व्यवसायी परिवार से आते हैं और पिछले 40 साल से उनका परिवार शराब के ठेकों का काम करता रहा है। इसमें अगर कोई अनियमितता पाई गई है तो कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं।